एंड आई एम बैक। पानी ठूस लिया, ये एडिट हो जाएगा, कुछ ये वीडियो में नहीं आएगा। ये तुम जो मेरे खाने के बारे में बोलती है ना, लड़की खा लिया, ठूस लिया, ये ऐसे ऐसे शब्द यूज करती है। ठोक दे खंबे पे, ठोक दे। अरे नहीं, कहता हूँ स्त्री है, ये कुछ भी कर सकती है। लेफ्ट लेते दो दो सड़कें थी, कंफ्यूज हो गई कहाँ मुड़ूं, जबकि दोनों एक ही तरफ जा रही हैं, फिर भी नहीं डिसाइड कर पाई। उछाल दी फिर से गाड़ी, एज यूजुअल इसने स्पीड ब्रेकर देखा नहीं, गाड़ी चलाती नहीं है, ये उड़ाती है। हे गाइस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत है फिर से। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, और जो साथ में घंटा वाला बटन है वो भी दबा दें। बहुत सारी फैमिली आई हुई है यहाँ पिकनिक मनाने। मेरे को याद है जब हम छोटे थे तो संडे को जब पापा की छुट्टी होती थी ना, तो हाँ। इंडिया गेट पे साइड्स में पार्क्स बने हुए ना। अरे हाँ, वहाँ जाके वहाँ जाते थे, याद है मुझे, याद है। थोड़ा कहीं ऐसी जगह ढूंढते हैं यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा ना शांति रहेगी। अपनी जो जर्नी है वो शेयर करने वाले हैं, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम लोग कैसे मिले थे, कैसे हमारी शादी हुई। सात फेरे बताते हैं, सात फेरे लिए थे, चार फेरे लिए थे ना, सात फेरे, चार फेरे, अपने हिंदुइज्म में चार फेरे होते हैं जो मूवीज में दिखाते हैं, सात फेरे वो सब झूठ था। कसमें सात ली जाती है, मैंने एक भी कसम नहीं ली थी। अच्छा, पंडित जी ने एक एक लाइन आपसे मिटवाई थी वो कसमों के नाम की, क्या आप कसम एक्सेप्ट करते हो या नहीं, भूल गए? इसका कहीं प्रूफ है? हाँ, वीडियो का, शादी का विजुअल है ना, मेरे को दिखाना, मैं एडिट कर दूंगा। तीन साल कैसे निकल गए शादी को वैसे पता भी नहीं चला। जब हमने ये अपना चैनल स्टार्ट किया था, वी नेवर थॉट कि एक ऐसा पल भी आएगा कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे, एंड वी रियली एबल। ये सब एडिट हो जाएगा, ये सब नहीं आएगा वीडियो में, पता है सब नहीं आएगा वीडियो में। नहीं, बट जैसा ना बताने बोला ना कि ये एक आइडिया अच्छा था, लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराए, हम लोग अपनी बताया अपने बारे में, जब हमारी शादी होने वाली थी तो हम उससे पहले कैसे मिले, उसमें कैसे हमारी बात हुई। हमारी शादी की बात जो थी वो 2017 में स्टार्ट हुई थी। 2017 में स्टार्ट हुई थी एग्जैक्टली। हाँ, मेरे माँ बाप ने मेरे से पूछा था कि एक लड़की है जो हम आपके लिए देख रहे हैं, आपके लिए, मतलब तेरे लिए देख रहे हैं, ऐसा बोला था। तेरे लिए लड़की देख रहे, मैंने कहा है, मैंने कहा अच्छा। उस वक्त अच्छा मैं रिकॉल नहीं कर पाया कि ये कौन है, एक्चुअली नाम बोला लाडो, तब मुझे रियलाइज हुआ अच्छा लाडो, इसका नाम नम्रता, मुझे एक्चुअल नेम नहीं पता था। लाडो के नाम से मुझे रिकॉल हुआ क्योंकि इसकी मम्मी इसको लाडो बुलाती थी, उसकी पूरी फैमिली में इसको लाडो, हर कोई लाडो बुलाता, कोई नम्रता बुलाता नहीं है। मेरी मम्मी की साइड में लाडो ही बोलते हैं, नम्रता कभी कोई नहीं बोलता था। तब मुझे रिकॉल हुआ अच्छा ये है, तो मैंने कहा ठीक है बात कर लो, क्या है, देखी जाएगी, तब की तब जो होगा होगा, देखे जाएंगे। अच्छा, पहली बार जब शादी का रिश्ता गया, मतलब तुत्कार दिया, मना कर दिया इसने? नहीं, वो एक्चुअली ऐसा था कि जब पापा ने मुझसे बात कर रही थी इस बारे में, तो मैंने, कुत्ता भी बुरा मान गया, देखा देखा अभी तक गुस्सा है बेचारा। कोई टॉमी, कोई नहीं, हाँ कर दी, शादी हो गई है। तो उस टाइम पे पापा ने मुझसे बात कर रही थी, बट उस टाइम ऐसा था कि आई वाज नॉट रेडी फॉर गेटिंग मैरिड, नॉट विद हिम बट नॉट विद एनीवन, सब एडिट हो जाएगा। तो उस टाइम मैंने मना कर दिया, थोड़े टाइम निकला, मतलब ऐसे करते करते जुलाई 2017 आया, तो पापा से मैंने फिर बोला कि ठीक है आई एम रेडी। इसके पापा हुए खुश, बट फिर पापा आ गए कश्मकश में, क्योंकि इसके पापा को ये लगा कि कहीं मेरा रिश्ता कहीं और फिक्स ना हो गया। इसके पापा ने मेरे ताऊ जी को कॉल किया जो कि इसके मास्टर जी हैं, उनको कॉल किया और उनको बताया कि लाडो रेडी है, तो आप अगर अमन का रिश्ता कहीं और नहीं हुआ तो फिक्स कर देते हैं, बात करते हैं आगे, बात चलाते हैं आगे जो भी है। ताऊ जी का कॉल आ गया मेरे पापा के पास कि अरे अमन अगर का कहीं बात नहीं चल रही है अभी, तो लाडो के पेरेंट्स जो हैं वो मान गए हैं, और लाडो भी मान गई है, तो कहो तो आगे, पेरेंट्स तो माने बनाए थे, तो कहो तो आगे बात चला है। मेरे को फोन करेगा कि ये सीन हुआ है, अच्छा मैं उसमें सोचूं यार इस लड़की ने पहले मुझे मना किया था, और मेरे को ऐसा कोई रीजन चाहिए कि मैं मना कर सकूं, बट मैंने कहा चल छोड़ कोई नहीं। मतलब ये था कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे को काफी बोलते थे कि रामन आप इट्स राइट एज पे शादी कर लो तो ज्यादा सही रहता है, तो आगे बात चली, नंबर एक्सचेंज की बात हो गई थी कि चलो लाडो और अमन का नंबर एक दूसरे को दे देते हैं,
अच्छा हमने डायरेक्टली एक दूसरे को नंबर नहीं दिया, ना हम कभी फेस टू फेस मिले, ना हमारी उससे पहले कभी फोन पे बात हुई, कुछ नहीं हुआ था। ये सब हमारा पेरेंट्स का चल रहा है, इसके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स पिक्चर में, हम दोनों अभी पिक्चर में है ही नहीं, हम दोनों बैकग्राउंड में अभी हाँ या ना का जवाब दे रहे हैं, दैट्स इट। बाकी सारा काम धाम इसके पापा मम्मी और मेरे पापा मम्मी संभाल रहे हैं। अगर वो लोग इतना नहीं करते तो शायद आगे बात भी नहीं पड़ती हो, शायद अगर बहुत वो लोग प्यार करते हैं हम दोनों को। सो जब अमन के पास नंबर गया और मेरे पास भी इनका नंबर आ चुका था, इवन ये चीज भी मेरे को पता नहीं है, यहाँ पे भी मैडम का ईगो था कि मैं पहले मैसेज क्यों करूं। सो आई वाज वेटिंग कि सामने से कॉल या मैसेज आएगा आएगा, मतलब आई थिंक एक हफ्ता हो गया था मेरे नंबर एक्सचेंज हो गए, फिर भी ना इन्होंने कॉल किया था या मैसेज किया या मैंने भी नहीं किया था। सो सैटरडे इवनिंग थी, हम लोग बैठे हुए थे ऐसे, मम्मी मैं बुआ बातें बातें कर रहे थे। मैंने शाम को जब अपना फोन चेक किया तो मेरे फोन पे व्हाट्सएप आया हुआ था। फर्स्ट टाइम मैंने सामने से मैसेज किया एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग ओवर व्हाट्सएप। वो शाम को सिर्फ व्हाट्सएप पे बात हुई है, नेक्स्ट डे फिर हमारी कॉल पे बात हुई है, और नेक्स्ट डे जब कॉल पे सुबह बात हो गई तो शाम को वीडियो कॉल हो गई है। आपके हिसाब से बताना जरा कमेंट सेक्शन में, आपको कितना लगता है कितनी देर बात हुई होगी जो लड़का लड़की दूसरे से कभी फेस टू फेस मिले नहीं है, दे आर टॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर फोन, दैट फॉर द मैरिज। हमारी कम से कम 5.5 घंटे बात हुई। अच्छा अगले दिन मैंने फालतू की छुट्टी भी मार ली थी कि चल मैं से बात करूंगा। मैंने भी इंटरेस्ट देख रहे लौंडे का, एडिट हो जाएगा ऐसा। एक बार बीच में ऐसा मोमेंट नहीं आया जब हम बात करें तो यू नो कहीं भी साइलेंस हो गई हो, एक ऑकवर्ड सी साइलेंस हो गई हो, और अब क्या बोलूं मैं, कंटिन्यूअसली फ्लो में बात होती रही है। ऐसा कहीं हमने सोचा ही नहीं है कि अपन को कभी कोई बात करने में ऐसे दिक्कत आई। बट उस कॉल में ऑनेस्टली मेरी तरफ से, तो मैं बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी तरफ से डिसाइड हो गया था कि हाँ ये लड़की मुझे पसंद है, इससे मैं शादी करूंगा, क्योंकि जो मेरी ट्यूनिंग बैठी है वो 5.5 घंटे बाई वॉट भारी पड़ रहा है, मतलब 5.5 घंटे ऐसे भारी पड़े कि पहले हुई एंगेजमेंट फिर भाई शादी। आज 2017 में ऐसा हो रहा है, वी आर इन स्टिल इन 2017 इन द मंथ ऑफ जुलाई। बहुत दिन हो गए हमें बात करते हुए, मतलब मेरे मम्मी पापा ने भी मुझसे पूछा कि क्या है, पापा मम्मी ने साफ साफ, बेटा पापा मम्मी ने साफ साफ पूछ लिया है, अभी काफी दिन हो गए बात, पापा मम्मी ने साफ साफ बोल दिया था, बेटा क्या तुम फोन पे शादी रचा दोगे। हमने अपने पेरेंट्स बोला चलो मेरी तरफ से हां, इसने मेरी तरफ से बोला हां है, पहले तो मना किया था इसने, फंसी फिर भी मेरे साथ आगे। कैसा लगा मैडम आपको? बहुत बढ़िया, जोरों के लगे, सब एडिट हो जाएगा। को पहले दिल्ली बुलाया गया था मिलने के लिए, ये 12th ऑफ अगस्त को आए थे, 13th मॉर्निंग हम लोगों को मिलना था मासी के घर पे। हम लोग वहाँ पहुँचे, मतलब उससे पहले भी हमारे व्हाट्सएप पे चैट हो रही है, मतलब बात कर रहे हैं, मतलब हमारी लगातार बात चल रही थी। और जब वहाँ पहुँचे तो मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस थी, वहाँ पे इसके पापा में बैठे हैं, मेरे मासड़ ताऊ ताई जी बैठे हैं, मेरे पापा में बैठे हैं, और ये लोग की एंट्री हो चुकी है और मेरी एंट्री होनी बाकी है। तो मैं आया ना जैसे अंदर, तो उस वक्त तो मेरे को भी थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों हो रही थी, मेरे को तो पहली बात समझ नहीं आई क्यों हो रही थी। एक तो वैसे तो इतनी बातें तो हो ही गई थी हमारी, व्हाट्सएप पे इतनी बातें हुई थी, वीडियो कॉल पे इतनी बातें हो गई थी, फिर भी एक घबराहट सी हो रही थी ना, मैंने हिचकिचाहट सी हो रही थी, आई कॉन्टैक्ट तक नहीं हो रहा था यार। हाँ। पापा मम्मी वगैरह ने बोला कि तुम लोग थोड़ा बात करो, थोड़ा बाहर घूमो, तो पापा मम्मी ने बोला जाओ घूम के आओ थोड़ा बाहर, वी वेंट आउट फॉर लंच, तो फिर गए घर। एंड जैसे एंट्री हुई दोनों साथ में घुसे, बट जैसे घुसे हैं घर में, एक इस कमरे में निकली और मैं इस कमरे में निकला। पहले सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मेरी मम्मी ने पूछा कि बेटा क्या है, मतलब ऑफ कोर्स उनको था कि ठीक है इतने दिन से बात बात कर रहे हैं, अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई है, बट फिर भी एक बार मिलने के बाद होता है ना कि कहीं माइंडसेट चेंज ना हो जाए। बट उस टाइम पे यह था कि मेरे को थोड़ा फाइनेंशियली सेटल होना था, जब तक तुम एक फाइनेंशियली खुद सेटल ना हो तो तुम दूसरे का ख्याल क्या रखोगे, एक फाइनेंशियल बर्डन ना हो मेरे पे भी ना इस पे भी ना मैं आने दूँ। तो आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं फाइनेंशियली पहले सेटल हो जाऊँ, तो मैंने उसको बोला था नम्रता देख एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ ईयर, मेरे को एक साल चाहिए सेटल होने के लिए, मैं फाइनेंशियली एक बार सेटल हो जाऊँ, विल गेट मैरिड, ताकि अमन ने ऐसा बोला है। तो इसकी मम्मी थोड़ी सी ना, मतलब एक्चुअली मेरी मम्मी थोड़ी, इसकी मम्मी को मेरे से बहुत उम्मीद है, मतलब बहुत एक्सपेक्टेशन है, तो उसकी मम्मी को थोड़ा सा वो ना एक माँ लड़की के माँ का दिल बैठ जाता था कि यार अरे हाँ। एक साल, मतलब वो उम्मीद पाली हुई थी कि अरे अब तो हो जाएगा, मतलब वो थोड़ी सी निराश 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 सी हो गई थी। नहीं जब ये बात हमने घर पे बताई थी तो पेरेंट्स को ऐसा लगा था कि इतने टाइम तक इतना लंबा नहीं खींच सकते, तो फिर हमने ऐसा किया कि इन्होंने भी बोला कि ठीक है आप लोग एक बार और हमें मिलने दो, तो हम लोग एक बार और मिल लेते हैं, उसके बाद हम फाइनल यस एंड नो जो भी है बोल देंगे।
फिर उधर से अपने घर नोएडा गए थे, तो इनको ऑफकोर्स वहाँ से पहुँचने में टाइम तो लगना था, तो ये रात को लेट घर पहुँचे, तो इन्होंने जब तब तक मैंने जो व्हाट्सएप भेजे इनका रिप्लाई नहीं आया, तो ऑनेस्टली मैं भी थोड़ा डर गई थी कि क्या हो गया एकदम से, इसको डर ये लग गया कि व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं किया बिकॉज मैं ड्राइव करके घर आ रहा था, तो मैं कैसे रिप्लाई, तो मुझे पता नहीं थोड़ा इसको इसको घबराहट हो गई। मैं घर पहुंचा एंड देन आई सॉ द मैसेजेस एंड देन आई कॉल्ड हर कि क्या हो गया तुम घबरा क्यों गई, फिर उसने मेरे को मैसेज ऐसे भेज दिया कि इसको डर लग गया। मैंने कहा पागल है क्या, तो टेंशन क्यों ले रही है, मैं हूँ ना, मैंने उसको रिलैक्स किया, मैंने कहा रुक रुक जा, तो उतने में थोड़ा सा इमोशनल सीन मेरे घर पे वापस, उतने में इमोशनल सीन थोड़ा जो मैं बताने वाला हूँ उससे पहले मेरे पास एक आया कॉल आया पार्थ का, क्योंकि नम्रता को मैं बचपन से जानता हूँ, लाडो को बचपन से जानता हूँ, नॉट नम्रता, लाडो को मैं बचपन से जानता हूँ, और बहुत अच्छी लड़की है, सुलझीवी है, तो तू देख ले तेरा जो डिसीजन होगा फाइनल होगा, चाहे वो हाँ हो चाहे वो ना हो। उसने भी सिर्फ समझाया था कि कर ले अब शादी, अब निकल गया तो कब करेगा, उसको खुद जल्दी थी शादी करनी नहीं यार उसने हमारी शादी के बाद ही करी है, 2 साल बाद करी है उसने। वो भी है ठीक है, मजाक करो भाई, लव यू। तो उसके कॉल के बाद आई वॉज लाइक यार बात तो भाई सही कह रहा लड़का, तो फिर उस बाद मेरी मम्मी आ गई कमरे में, मैं अलग कमरे में एक्चुअली बात कर रहा था, मॉम केम इन, शी वाज लाइक शी वाज आल्सो वेरी इमोशनल, पता नहीं इनको उनको भी ऐसे ही हो जाता है कभी यार, माँ का दिल है ना, चाहे वो माँ का दिल है एग्जैक्टली, एंड शी वाज आल्सो लाइक शी स्टार्टेड आस्किंग मी क्या रमन क्या डिसाइड किया बेटा, उनको जवाब भी देना ऑल दैट, मैंने कहा मम्मी आ कर दो, एंड शी वाज लाइक हाय मेरा बेटा, मम्मी वाज लाइक सो हैप्पी सो सुपर इमोशनल। उसके बाद फिर फटाफट मम्मी पापा के पास दौड़ी रूम में, सुनो 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 अमन ने ना हाँ कर दी शादी के लिए, तो पापा कहते हैं अच्छा ठीक है, पापा को कुछ पापा न्यूज़ देख रहे हैं हाँ ठीक है फ़ोन तो करो हाँ, तो फिर पापा को फ़ोन किया, पापा ने फ़ोन किया डायरेक्टली, पहले ताऊजी को कॉल किया था मेरे, देन इट वाज लाइक कि पता नहीं ताऊजी को कॉल किया तेरे पापा को कॉल किया था, आई एम नॉट श्योर, हमको याद नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है, बट बताया था। जब इसके पापा के पास बात पहुंची कि अमन ने हाँ कर दिया है, इसके पापा भी खुश और इसकी मम्मी तो बाय गॉड मतलब पता नहीं, तब तक तो पापा का कॉल भी नहीं आया था, मम्मी वाज लाइक तो मम्मी तो इसकी मम्मी को जब पता लगा मैंने हाँ करी, तुम तुम्हारी मम्मी तो पता नहीं क्या हुई थी, मैं वही बता रही हूं, इसकी मम्मी दौड़ दौड़ रूम में गई, ये सो रही है वहां पे, मैं सो रही थी, एंड बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कि मैं जो हूँ अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, एंड आई कॉल्ड हर अप, तो नॉर्मली इसको मैंने हालचाल पूछे किया, मैंने बोला कि मैं दोस्तों के यहाँ जा रहा हूँ मिलने, तो थोड़ा बिजी रहूंगा, तो इसलिए मैं मैसेज का रिप्लाई फिर बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे मैंने बताया नहीं था कि मैंने हाँ कर दिया, मम्मी अब मुझे आके ना बारी बारी ऐसे उठाए, वो फोन पे बात कर रही है मासी से और मुझे ऐसे ऐसे करे, एंड मैं मतलब थके हुए बोल रही हूँ मम्मी क्या है लेटने दो थोड़ी देर सोने दो, और मम्मी ने फिर से मुझे ऐसे ऐसे किया उठाया, और जब मैंने ना ऐसे करके करवट आँख करके ऐसे यूँ देखा ना, तो मेरी मम्मी ऐसे नाच रही है ऐसे खुश होके कि पता नहीं क्या हो गया, और मुझे ऐसे लगा कि क्या हो गया, तो मम्मी ने ऐसे मुझे ना सिर्फ लिपसिंग करके बोलते हैं ना अमन ने हाँ बोल दी, मैं बोला क्या, बिकॉज मैंने तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था ना, मुझे तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है पिक्चर में क्या चल रहा है यहाँ पे अभी, तो फिर मम्मी ने फिर से मुझे बोला अमन ने हाँ कर दी, और मैं ना उठ के बैठ गई लिटरली, मेरे को तो मतलब एक्सपेक्टेड था ही नहीं, मैं बहुत शॉक में आ गई कि ये हुआ क्या मेरे साथ, मुझे पता ही नहीं चला था, फिर मैंने शादी के बाद लड़के सोचते हैं सारे साल ये हुआ क्या मेरे साथ, ये शादी से पहले बोल रही है मेरे साथ क्या हुआ, 6 महीने का टाइम मिला था उसके बाद भी, रोके के बाद भी, ठीक है रोके के बाद 6 महीने का टाइम किस चीज़ का मिला था, अगस्त में हमारा रोका हुआ और फेब 2018 में शादी हुई थी, बस वो मेरे आखिरी 6 महीने थे बैचलर जिंदगी के, वो मैंने बहुत मजे मारे उसमें, मैंने वेरी गुड, वो बैचलर लाइफ के सबसे अच्छे जिंदगी थी मेरी, वेरी गुड, क्योंकि मुझे पता है मैं सूली पर चढ़ने जा रहा हूँ, वेरी गुड, जैसा वेरी हो जा रहा हूँ, इनको कॉल किया एंड ही वाज लाइक मिल गई तुमको न्यूज, तो मैंने ऐसा बोला कि आपने मुझे तो बताया ही नहीं, तो ही वाज लाइक कि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था इसलिए नहीं बताया था, एग्जैजरेशन सरप्राइज नहीं था, जब बात एक हायर की होती है ना, पेरेंट्स से बात चली, पेरेंट्स से बात करी, फिर पेरेंट्स से लड़की से बात करी, पेरेंट्स के लड़के ने पेरेंट लड़के से बात करी, अगले दिन जन्माष्टमी थी, नेक्स्ट डे जन्माष्टमी थी, तो मेरे पापा मम्मी ने कॉल करके बोला था इसके पापा मम्मी को कि अगर प्रॉब्लम ना हो तो नम्रता हमारे घर में पहली जन्माष्टमी बनाएगी, उन्होंने बोला कि हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं, कबाब में बड्डी हड्डी बन के पता कौन आया था, गैस मारो हर्षित आई थी नहीं, तो फिर उसके बाद ये मुझे अपना पुराना वाला जो घर था लेके गए थे, फिर बाद में मैं घर आई और उसके 2 दिन के बाद हमारा रोका हो गया था, मजे की बात सुनो, रोके की डेट थी 17 तारीख 17 अगस्त 2017,
मतलब 17 पे खतरा, दोनों तरफ खतरा, 17 डेट पे भी खतरा, साल में भी खतरा। तो ये हमारी स्टोरी थी रोके तक की, और 17 पे खतरा, 17 तारीख को हो गया था रोका, वो भी साल 2017। ये है कि हमारी मैरिज है, काफी लोगों को ऐसा लगता था, कई लोग रहे आई थिंक शादी के बाद तो, हाँ, काफी लोगों ने पूछा आपकी लव मैरिज है क्या, तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि नहीं हमारी अरेंज कम लव है, एक्चुअली हाँ अरेंज कम लव नहीं, हमारी अरेंज ही है, मतलब अरेंज मैरिज हुई, उसके बाद अरेंज मैरिज को कवर अप करने के लिए बोले, अरेंज का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं, अरेंज होती है तो मैरिज होती है, सॉरी अरेंज अरेंज मैरिज होती है तो लव मैरिज होती है, एडिट हो जाएगा वो, नहीं तो अरेंज का हम लव, हाँ शादी के बाद भी तो प्यार होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी शादी कर ली प्यार खत्म, नहीं तो सुना ऐसा शादी के बाद प्यार, तो एडिट हो जाएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हो ना तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, और साथ में बेल आइकन है उसमें भी ऑल नोटिफिकेशंस कर देना, ताकि अगर हम जो भी वीडियोस डालें, जो कि अभी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशंस मिल जाए। और अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर्स हो तो प्लीज कमेंट लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस एज मच एज पॉसिबल एंड स्प्रेड लव एंड पीस, और हमारी जर्नी के साथ जुड़े रहिए, उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है, एग्जैक्टली हम लोग खुद मोटिवेट होते हैं जब लगता है कि हाँ लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे ब्लॉग्स में, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारी वीडियोस में, तो वी रियली गेट मोटिवेटेड एंड वी यू नो थिंक कि यार चल कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर डालना है, और आप लोगों का प्यार ही हमें आगे लेके जाएगा, आप लोगों का सपोर्ट अगर ऐसे ही रहा बना हुआ तो इंशाल्लाह एक दिन 1000 भी हम लोग क्रॉस कर देंगे, इतना अच्छा सपोर्ट आपका अभी तक मिला है उसके लिए शुक्रिया, तो ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बाय बाय।